ये जातियों अक्सर आए हैं वैश्विक गणित के अंदर। कल अपने पास अक्षाणी नंबर चार चल रही थी, उसी क्रम में अक्षाणी नंबर चार में आ गए अगला बिंदु आ रहा है, जिसमें हमें कल गौतम वाले समीकरण के बारे में पढ़ा था कि समीकरण में किस प्रकार मान रखते हैं, समीकरण क्या होता है, चर क्या है, अचर राशि क्या है। उसके बाद हमें यह जो समीकरण है इसका हमें हल निकालना लिखा था, सुनने की याद करना। आज हम इन समीकरणों का आलेख की विधि से हल है, यानी ग्राफ का जो पेपर है उस पर जो दो ध्रुव वाले रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण को अवकाश में बताया जा चुका है कि जिस समीकरण की अधिकतम घात एक हो, तो इस प्रकार रैखिक समीकरण हमें ग्राफ पेपर यानी अधिक के रूप में ग्राफ पर हल कैसे करते हैं उसे संबंधित ट्यूशन करने। लेकिन उससे पहले हमें ट्यूशन जो करवा ले बिंदु विशेष बचा है उसमें के का मान याद करना। ट्यूशन है के का मान याद करना, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 हो और समीकरण समीकरण दिया गया है जिसमें लिखा है समीकरण ये दिया गया 2x प्लस 3y बराबर के, यानी अपने पास एक ऐसा समीकरण दिया गया है, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर के, जबकि x और y जो संख्याएं हैं अचर पद जो चर हैं उन चरों का मान दिया गया है और हमें इसके बराबर किए हैं एक पक्ष में, तो उस a का मान कितना होना चाहिए वह हमें ज्ञात करना है। अब हमें k का मान ज्ञात करने के लिए जो समीकरण दिया गया है उसको हम k के बराबर में लेते हैं, k बराबर 2x प्लस 3y, क्योंकि ये समीकरण k के बराबर है हमें दिया गया है। अब हमें x और y का जो मान है वो मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी x और y के लिए उसका मान रख देते हैं और उसका मान रखने के बाद जो अचर पद आएगा वो k का मान रहेगा, समीकरण में एक्स वाई के मान प्रतिस्थापन करने पर यानी जो समीकरण दिया गया है इस प्रकार का प्रश्न पूछा था विक्षण व्यवहार, तो जो के का मान ज्ञात करना है समीकरण दिया गया है, समीकरण के साथ साथ x और y का मान भी दिया गया है, तो जहाँ x y लिखा हुआ है समीकरण में उसके स्थान पर हमें उसका मान प्रतिस्थापित कर देंगे और उसका मान प्रतिस्थापित करने के बाद जो संख्यात्मक मान आएगा वो k का मान रहेगा, k बराबर 2 यानी 2x के गुणा में गुणांक पहले से और हमें x बराबर 2 रखना है, दो प्रतिस्थापन करना है, तब 2 × 2 प्लस 3 × y जो है y के स्थान पर हमें एक प्रतिस्थापन करना है, तब y के स्थान पर एक प्रतिस्थापित कर दिया,
तीन बराबर दो को दो से गुणा कर दिया चार प्लस एक को एक से गुणा कर दिया तीन, दोनों को जोड़ने पर सात प्राप्त हो गए। तो के बराबर हमें सात प्राप्त हुआ, यानी के का मान अगर सात होने पर और एक्स वाई के साथ पर दो एक होने पर ये जो समीकरण है ये संतुष्ट होगा, यानी समीकरण के दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, समीकरण संतुष्ट होगा। इसी क्रम में आगे जो प्रश्न है उसमें एक एक समीकरण दिया हुआ है और उस एक एक समीकरण को ग्राफ के रूप में हमें हल करना है, जिसमें पहला समीकरण दिया गया है हमें हल करने के लिए x प्लस वाई बराबर चार, ये समीकरण लिखा हुआ है। इस समीकरण को हमें आगे की विधि से ग्राफ पेपर पर हल करना है। तो ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें जो ग्राफ का प्रश्न है जिस पर ग्राफ का ग्रिड जाल बना हुआ है उस साइड वाले भाग को हमें पहले चार समान भागों में विभाजित करना है, यानी तुम्हें पहले बताया था चैप्टर नंबर तीन में कि एक समतल जो ग्राफ का क्षेत्र है उसको दो रेखाओं द्वारा चार भागों में विभाजित करती है और इन रेखाओं के नाम भी बता दे कि जो बड़ी रेखा है उसका नाम क्षितिज रेखा या एक्स एक्स कहलाती है, जबकि जो खड़ी रेखा है वो ऊर्ध्वाधर या वाई एक्स कहलाती है। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु है, जिसको हम ओसी प्रदर्शित करते हैं, ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष है और इधर वाला मूल बिंदु से दूसरी तरफ का जो भाग है वो एक्स डैश से इंगित करते हैं, ये वाई एक्स हो गया, ये वाई डैश हो गई। इस प्रकार जो समतल भाग है ग्राफ का जो पेपर है उसको दो रेखाओं द्वारा हमने इसको चार भागों में विभाजित कर दिया। अब चार भागों में विभाजित करने के बाद हमें ग्राफ का जो पेपर है उसको चार भागों में विभाजित करने के बाद ग्राफ में जो संख्याओं का ग्रिड जाल बना हुआ है एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर मोटी रेखाएं, जबकि उसके बीच में 10 महीन रेखाएं जो एक एक मिली सेंटीमीटर का निर्माण करते हैं, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिली सेंटीमीटर होते हैं तो वो एक एक मिली सेंटीमीटर पर छोटी रेखाएं बनी हुई है, उसके बीच में 5 मिली सेंटीमीटर पर थोड़ी महीन रेखाओं से थोड़ी मोटी रेखा बनी हुई है जो आधे सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। अब हमें जो हमें समीकरण दिया गया है उसको ग्राफ पेपर पर हल करने से पहले इस समीकरण की हमें ऐसी टेबल तैयार करनी है जिसके तीन बिंदु या चार बिंदु प्राप्त कर लेते हैं जो इस समीकरण को हमें संतुष्ट करते हैं, फिर इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर में अंकित करके और एक रेखा से मिला देते हैं तब उसका ग्राफ पेपर पर एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। उसकी केवल जांच करने के लिए इसमें पहले इसको प्रतिस्थापित करते हैं, एक्स बराबर चार माइनस वाई, आप इसकी केवल जांच करते हैं टेबल में एक्स और वाई
दोनों के इस प्रकार के चार मान रखते हैं या तीन मान रखते हैं, जो उसको अच्छी प्रकार से समीकरण को संतुष्ट करते हो। ये जो समीकरण प्रतिस्थापित है इसमें हमें y की जगह शून्य रख देते हैं, यानी जो y है इस प्रकार रखते हैं x बराबर 4 माइनस y के स्थान पर हमने शून्य प्रतिस्थापित कर दिया, यानी जहां y था उसकी जगह हमने शून्य रख लिया। ये संख्यात्मक जो मान है वो आपको किसी भी संख्यात्मक मान रख सकते हैं, इस पर ये प्रतिबंध नहीं है कि आप अमुक संख्या को कोई भी संख्या ऐसी जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करती हो मान रखने पर, तब एक्स का मान हमें 4 प्राप्त हो गया। ये रहे वाई करके 1 प्रतिस्थापित कर दिया तो एक्स का मान 3 प्राप्त हो गया, फिर वाई करके 2 प्रतिस्थापन कर दिया तो x का मान 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमें संख्या के संख्यात्मक रूप से 3 मान प्राप्त हो गए और इस रैखिक समीकरण की एक टेबल तैयार हो गई। अब टेबल तैयार होने के बाद जो ग्राफ पेपर है उस पर हमें पैमाना लेना होगा x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी, क्योंकि पैमाना लेने के बाद ही आप इन संख्याओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। तो पैमाना इस प्रकार लेना है कि संख्यात्मक मान है दोनों अक्षों पर समान बना रहे और भिन्न में नहीं हो। पैमाना ग्राफ पेपर के ऊपर लिख रहा है पैमाना एक्स अक्ष पर, एक सेमी बराबर एक इकाई, या पैमाने को आप या तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक सेमी बराबर एक इकाई, या आप चाहें तो पैमाने को इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। एक बड़े खाने का मतलब है एक सेंटीमीटर की दूरी और एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इकाई का मतलब है एक एक अंक रख रहे हैं, यानी पहले सेंटीमीटर पर एक अंक है उसे दूसरी सेंटीमीटर की दूरी पर दो अंक है, तीन सेंटीमीटर की दूरी पर तीसरा अंक है, तो इस प्रकार एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर इन अंकों को रख रहे हैं। और इसमें रेखा का जो जाल बना हुआ है उस पर है आपको संख्या अंकित करनी है एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसे कि संख्या है। अब ये पैमाना हो गया x अक्ष पर, इसी प्रकार है ये बिंदुओं से जो पहले बताया जा चुका है कि धार बाएं तरफ का जो भाग है वो x अक्ष ऋणात्मक संख्या का है, जबकि मूल बिंदु से दाएं तरफ का जो x अक्ष है वो धनात्मक है। मूल बिंदु दोनों के बीच की सीमा बनाती है जिसके शून्य शून्य निर्देशांकों पर स्थित होता है। तो इधर प्लस की हो गई एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से साइड में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 लोग पैमाना रखते हुए उस पर संख्या अंकित करनी। इसी प्रकार है जो अपना वाई एक्स है वो भी मूल बिंदु से ऊपर का हिस्सा है वो धनात्मक हो जाएगा और नीचे की दिशा में जो y डैश है वो ऋणात्मक संख्या का हो जाएगा। पैमाना दोनों पर एक ही रखना है, वही पैमाना x अक्ष पर रखना है और वही पैमाना y अक्ष पर रखना है, यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों पर समान पैमाना रखना है। y अक्ष पर पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई, यानी इसमें भी हमने वही पैमाना लिया है
जो एक्स अक्ष पर पैमाना था एक सेमी बराबर एक इकाई रखी है। अब वाई पर भी प्लस की और माइनस की यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के बिंदु अंकित करने एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक अंक आता जाएगा और जितने आपके पास रेखाएं उतना ही बिंदु अंकित कर देंगे। अगर आपके पास संख्यात्मक मान बड़ा है तो आप उस विचार के अनुसार अपना पैमाना ले सकते हैं, एक सेमी बराबर दो इकाई रख सकते हैं, एक सेमी बराबर तीन इकाई रख सकते हैं। जैसा संख्यात्मक मान सारणी में आपको प्राप्त हो रहा है समीकरण के लिए उसके अनुसार टेबल बनानी है, उसके अनुसार एक पैमाना रखना है। माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पाँच, माइनस का छः, माइनस का सात, इधर वाले संख्या है। माइनस का चिन्ह मत समझना, माइनस का चिन्ह नहीं है ये, केवल संकेतक के लिए ये संख्या है माइनस का जिसका आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ये ऋणात्मक पक्ष है, ये भी ऋणात्मक है, ये एक्स एक्स डैश और वाई डैश दोनों ऋणात्मक है। अब अपने पास जो समीकरण की सारणी बनाई टेबल जिसमें हमने तीन मान प्राप्त किए थे उन बिंदुओं का प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त करना है। सबसे पहले हमें आपने पिछले अध्याय में एक्स एक्स और वाई एक्स के बारे में पढ़ा था कि एक्स एक्स पर वाई का मान शून्य होता है और वाई एक्स पर एक्स का मान शून्य होता है। तो इसमें हमें पहला बिंदु वाई का मान शून्य और दूसरा बिंदु एक्स का चार अंकित है। इन ये जो बिंदु अंकित है इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। तो सबसे पहले एक्स का चार और वाई का शून्य देखना है हमें। अब हमें ध्यान में होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर वाई का मान शून्य होता है, ये शून्य हमें एक्स अक्ष पर ही मिलेगा क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान शून्य है और यहाँ टेबल में वाई का मान शून्य रखा हुआ है। तब एक्स अक्ष पर वो बिंदु ढूंढना है जहाँ चार स्थित है क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का मान शून्य होगा। तो एक्स अक्ष पर चार प्लस का बिंदु यहाँ स्थित है और हमें यहाँ ही बिंदु अंकित कर दिया क्योंकि इसका प्रतिच्छेदी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, वाई का मान शून्य होने के कारण एक्स एक्स पर स्थित होगा। अब अपने पास दूसरा बिंदु एक्स का तीन और वाई का मान एक है। तो एक्स का तीन प्लस का है, ये एक्स के तीन का रेखा ऊपर की ओर आपकी जा रही है और इधर से वाई की रेखा इधर आ रही, दोनों यहां प्रतिच्छेद हो रहे हैं यानी एक्स का तीन की रेखा और वाई की एक की रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो वहां हमें ये बिंदु बना दिया। उसके बाद तीसरा संख्यात्मक मान दोनों में दो दो है और दोनों प्लस के दो दो है। तो एक्स की प्लस की रेखा निकाल रही है, वाई की दर्शा रही है, ये दोनों बिंदु यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इन तीनों बिंदु से जाते हुए स्केल की सहायता से और एक रेखाखंड बना लेते हैं। जो इन तीनों बिंदुओं से होकर के सीधा एक सरल रेखा बनी हुई है, सरलरेखा बन रही है, ये तीनों बिंदु एक छेद में होने के कारण सरलरेखा बनी है और ये तीनों ही बिंदु जो रैखिक समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर चार है इसका हल है। क्योंकि इसके जितने भी बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं जैसे ये बिंदु चार जीरो है, ये बिंदु तीन एक है,
ये बिंदु दो दो हैं, इन बिंदुओं को इस प्रकार कोष्ठक में बीच में कॉमा लगा के लिखते हैं। पहला मान x का रखा जाता है, दूसरा मान y का, यानी जो आप भूजोर कोट भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पहले हमें भूज रखेंगे जो x का मान है वो भूज कहलाता है, और उसके बाद दूसरा मान y का कोट रखेंगे। ये जो बिंदु बने इन बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं, और ये निर्देशांक जो अपने पास दो द्वारा एक रैखिक समीकरण है, इस समीकरण के ये हल कहलाते हैं, क्योंकि समीकरण के ये मान इसको हल करते हैं। तब इस समीकरण के अनंत हल होंगे। ये रेखा है जहां जहां प्रतिच्छेदी रेखाओं से गुजरेगी वो सारे के सारे इस समीकरण के हल कहलाएंगे। तो इस प्रकार है, जितने भी रेखाओं से रेखा गुजरेगी वो सारे के सारे इस रैखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको ग्राफ में क्वेश्चन हल करने, सबसे पहले तो आपको रैखिक समीकरण दिया गया है, उसके इस प्रकार प्रतिस्थापन करके और कोई भी मान करके इस प्रकार टेबल में तीन मान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जो ग्राफ का पेपर है उस ग्राफ वाले भाग में ये जो टेबल है, समीकरण है, क्वेश्चन जो लिखा है, सवाल है, ये सारे ग्राफ का जो पहला पृष्ठ लाइनदार है डायग्राम का, उस लाइनदार पृष्ठ में लिख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो रेखाओं से बना हुआ ग्रिड जाल वाला पृष्ठ आएगा उसमें हमें यह आलेख बनाना है समीकरण का। उस प्रकार इसको चार भाग में बांट के ग्राफ वाले को चार भाग में बांटते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो रेखा खींच रहे हैं चार भाग में बांटने के लिए वो एक सेंटीमीटर की निचली रेखा हुई हो, नहीं कि आधी सेंटीमीटर वाली रेखा हो, क्योंकि कॉपी उसमें विषम कॉलम बने होते हैं, इसलिए आप तो बराबर भाग में बांटोगे तो एक तरफ संख्या एक खंड ज्यादा रहेगा और एक तरफ एक खंड कम रहेगा। इस प्रकार बांटने के बाद इन प्रश्नों को हल करना है। बुक में जो अन्य प्रश्न दिए गए हैं उनको भी आप इस प्रकार हल करेंगे।